रविवार को दरभंगा शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शुभंकरपुर अवस्थित बद्रीनाथ मंदिर के निकट एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मामूली विवाद में एक महिला की चाकू से गोद गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया है। साथ ही घटना की छानबीन भी शुरू हो कर दी है। इस संबंध में मृतक के परिजन एवं स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज महतो की पत्नी विभा देवी का विवाद अपने पड़ोसी विनोद महतो की पत्नी किरण देवी से हो गया। दोनों के बीच काफी बहस हो रही थी। दोनों के बीच हो रही गाली गलौज को सुनकर विनोद महतो का पुत्र रवि कुमार बाहर निकला और मनोज महतो की पत्नी विभा देवी को तरातर चाकू मारने लगा। बताया जाता है कि उसने विभा देवी के पीठ, पेट, कंधे आदि कई जगह पर वार किया, उसके शरीर को गोद डाला। जब तक लोग कुछ समझ पाते और महिला को रवि के चंगुल से छुड़ा पाते, रवि विभा देवी को धक्का देकर गिराकर भाग गया। बताया जाता है कि उसने चाकू को वहीं नदी में फेंक दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही स्थानीय लोगों एवं परिजनों से पूछताछ भी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि रवि शराब के धुन में शामिल है और वह जेल से भी आ चुका है। इससे पूर्व भी वह मारपीट करता था। वह विभा देवी के पति मनोज महतो विदेश में रहते हैं तथा उनके दो छोटे बच्चे हैं, जिसमें एक 5 वर्ष का पुत्र एवं 3 वर्ष की पुत्री है। विभा देवी की मौत के बाद अब उन दोनों बच्चों का भविष्य भी फिलहाल अंधेरे में आ गया है। बाबू आराम से बताओ। यानी पपीता की पेड़ लगाई थी ना चाची, तो चार गो डेबा घेर दो उसके लिए हुआ। तो बड़की मम्मी उठा के ले गए, खूब गलियाने लगी ना, तो उसके बाद वही चाची दोनों में गाली गलौज हुआ। तो यानी बड़का पापा को गाली छुटकी चाची बक दी और छोटका चाचा को बड़की मम्मी, तो वही रवि भैया आया और बोला कि हमारा बाप थोड़ा सा छोटा, और वही चाकू मारने लगा। मतलब कितना चाकू मारा? 22 चाकू मारा। जिंदा मर गया? मर गया, यही डेट कर गए। कहाँ पर, कहाँ कहाँ पर चाकू मारा? यहाँ पे दो गो है, फिर पेट में और फिर पीछे पे, फिर यहाँ और फिर यहाँ। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी। पकड़ाया वो आदमी? नहीं, भाग गया। तो जिसको चाकू लगा है उसका क्या नाम है? विभा देवी। उसके पति का नाम? मनोज महतो। अच्छा, विभा देवी कितना उम्र होगा? दो बच्चा है, एक 7 साल की, एक 5 साल की। 35 होगा। कितना उम्र होगा अंदाज? 29-30 होगा। और जो लड़का चाकू मारा है उसका क्या नाम है? रवि कुमार। पिता का नाम? विनोद महतो। वो कहाँ का रहने वाला है? यही सब दियादे है। सब दियादे आप लोग? हाँ। तो जागर जो लगा तो कहाँ उसको भेजा गया? वो DMCH ले गया। बच्चा की मर गया? मर गया। लाश अभी कहाँ है? DMCH में है। आपकी चाची लगती है? क्या नाम है आपका? उसकी मम्मी सब। आपका क्या नाम है? मेनका कुमारी। पिताजी का नाम? मुन्नी माता। और का सीधे काला वहां देहरी पर चढ़ गया है, ऊपर में थी एक बार गया कि तू हमारे बाप के गाड़ी देबी, हमारे बाप तोरा से छोटा है, दखल के तू ऊपर माए के समझा, तोर माए गाली देहु तो हम दे छ। एक बारी ठोठी पकड़ के उसको गिरा दिया। तब बुझा छुरा निकाली, देखी चिल्लाई, सब हम घर में थे, हमारे बेटा सब लड़की खाना बनाई थी, सब दौगी हम कुछ सबके मार देता हूँ। तैयो सब छुराने लगी, हाली से वो हाली हाली पेल उल के नीचा उतर के ओहरा दल का पेट में छुरा मारा। हाँ। कितना छुरा मारा होगा अंदाज? 4-5 बार लगा है पेट में। वो आदमी बचा कि मर गया? वो यहीं पर बेहोश थे, हाली हाली हम बाहर निकले, चिल्लाए हैं, आदमी सब आया, हम कहा गाड़ी उड़ी देखो भैया सब, एक जल्दी पहले डॉक्टर यहाँ ले चलो। सब बुरा हाली हाली उठाया उठाया है, आपका क्या नाम है? अब उनके दयादनी है जो मरा है उसका क्या नाम है? कितना उम्र होगा उनका? 25-30 के अंदर में। उसका पति का क्या नाम है? मनोज महतो। कहाँ रहता है? किस मोहल्ला का घटना है ये? सुहंकरपुर है, सितिया बाजार, बागमती नदी के बगल में। सितिया बाजार बोलता है इसको। की भेले से अस्थिर से आराम से बताओ। बता दो, बताइए। कुछ नहीं हुआ, पपीता के पेड़ रोपले है बुझाए, उधर छोटा छोटा पेड़ है, नाला बनता है, मिस्त्री सब आवे, लेबर सब काम कर रही, रोड उड बाने अंगना में,
कल मिस्त्री सब कल कि से पेड़ पर लात नहीं धरब से हम रोपले छी तो मिस्त्री बेचारा सब ना चार गो ईंटा ढाले के चार बल घेर दिया तो कल आई हमार बड़की दी आदमी तो बहुत गाली बक के अपन ईंटा उठा के ले गई बेचारी कुछ नहीं बोली तो आई सुबह में ना फिर हमरा में से चार गो ईंटा ले के छोटकी दी आदमी फिर पेड़ के घेर दिल्क फिर वो अल बाहर दुकान में से फिर सब ईंटा के उठा के कि कह बाहर जो साँ कमाई है उसे खलर पड़ल हो ईंटा चोरा चोरा के एने पेड़ लगे तो लगे अभी नहीं बाँटल है सब तरफ सबके अथी है बता देते हमरा तो नहीं लगेब इतने में गाड़ी गरल हो कलक तोर मनोजवा बाहर में मर गया हौ से कमाई जो हो लुटी लागल हौ भी नाम धर के भी बोल दिया कि तोर विनोदवा मर गया हौ इतने में एक बेटा उधर से आया दौड़ते हम तो लपड़ थप्पड़ सब हाली हाली हल्ले चिल्लाया उ छुरा देख के हमर बेटा उ सब सब दौगा छोड़ाने के लिए पहले सब के मार दे तो हट सब हाली हाली चाकू चलाने लगा हम कौन चाकू चलाने लगा रवि कुमार केकर बेटा हो बड़की के विनोद महतो के किस पर चाकू चलाया विभा देवी पे चाची लगेगी छोटी वाली तो पुलिस आई थी पुलिस आई थी हाँ सब आके गई है सब अथी करके क्या हाल है इनका जिनको डायगर लगा है मर गया हम तो अकेले घर पर है जो आदमी है सब उसी के साथ है हमार बेटा है पति हमार आदमी का काम क्या जानकारी मिला आपको खत्म हो गया हमको तो बेहवा से कोई बताइए नहीं खुलता करता जिंदा है कि मर गए से तो पता है नहीं हम बेहवा जिंदा है कि मर गए हमको घर पे हम इसका पापा है अच्छा मेरा बेटी है हम यहाँ से 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर रहते हैं आनंदपुर सहारा मेरा घर हुआ जो पेपर मिल था ना यहाँ से फोन गया लगभग 9:30-10 बजे किस ऐसी ऐसी बात आपका बेटी को चाकू मार दिया है तो बचने का उम्मीद नहीं है तो आप जल्दी DMCA चाहिए हम DMCA चाहे तब तक यहाँ जांच पड़ताल हो रहा था पेशेंट का वो मरा हुआ था यहाँ पर कहे लिख पर डेट कर गया कौन मारा जात मारा क्या नाम है मारने वाले का उस जात का नाम है रवि कुमार महतो उसके पिता का नाम विनोद कुमार महतो क्या मामला था मामला क्या था एक पौधा था छोटा दूसरी आदमी में तुतु में हुआ वो अपने बेटा को कहा कितना छुरा मारा 26 छुरा मारा ए, जो मरी है उसका क्या नाम है विभा देवी इसका पति का नाम मनोज महतो उम्र कितना इसका है 27-28 पति कहाँ रहता है दुबई रहता पति को सूचना दिए हैं आप लोग हाँ दिए अभी कहाँ लेके आए लाश को अभी DMCA में क्या बोला जा रहा पुलिस के साथ बोल रहा है कि हम उसको जल्द से जल्द हम उसको सजा दिलवाएंगे हम कहते हैं कि उसको जिस तरह मेरी बेटी मरा उसी तरह उसको फांसी होना चाहिए तो क्या लाश का पोस्टमार्टम करवाएंगे आप जी पुलिस आई है साथ में पुलिस आई है उसका लिख पढ़ लिया है सर क्या नाम है आपका रमेश मत इसका धियापुता कटो है दूठो है एगो लड़का है छोटा लड़की है छोटा लड़का कितने साल का है 3-4 साल का लड़का है लड़की 6-7 साल का लड़की तो आगे क्या करेंगे आप हम उसको जान नहीं छोड़ेंगे हम उसको जेल कटाए के छोड़ेंगे आप चाहेंगे कि उसको जितना जितना उसको फांसी हो जाना चाहिए हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं मामला है छोटा पीछा पपीता का झांपने के लिए ईंटा ले जा करके वो रखे थे तो बोल दिया कि मेरा ईंटा चुरा ला इसी के कारण उसको छुरा से रवि कुमार का नाम है उसका भतीजा ही पड़ता है चाची को अपना छुरा से मार दिया कितना छुरा मारा करीब 25-26 वो है क्या लग रहा है स्थिति का बची है कि एक्सपायर कर गई है एक्सपायर कर गई तो जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी की जाएगी आरोपी के लिए तो गन छापामारी किक कर रहे हैं उसकी माँ भी अथी में इन्वॉल्व थी कान केस में उसको अरेस्ट कर करके थाना पर उसको आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है अभी कहाँ लेके आए लाश को अभी लाश को लेके आया DMCA पोस्टमार्टम अपना परिचय बताइए हम शुभंकरपुर TOP के थाना अध्यक्ष हूँ नाम अखिलेश कुमार